हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जॉब टैप। सो आज हम हैं पंजिम में, पंजिम साउथ गोवा में। सबसे कैसीनोस की लाइन है यहाँ पे, जहाँ पे और इस टाइम हम वहीं बैठे हैं मजेस्टिक पैराडाइज के बाहर। और क्या नाम है, बिग डैडी का है आगे, और भी बहुत लाइन से कसीन पड़ा है। मैं दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से। इस टाइम पीछे कंस्ट्रक्शन का ज़्यादा काम चल रहा था, शायद मेरी आवाज़ दब जाए थोड़ी, लेकिन यहाँ बहुत शोर मचा रहा है, यहाँ बहुत शोर मचा रहा है। सारे भाई बैठे हैं राहुल भाई। पंजिम साउथ गोवा का, सब पंजिम गोवा का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि पंजिम से ही हमारी कैसीनो लाइन है। और यहाँ का जो मतलब पॉश एरिया है, बहुत पॉश एरिया, हमने कमरा लिया है। सो अभी चलते हैं बोट पर, चलते हैं वहाँ पे। अपने आपको डॉल्फिन दिखाई है, इन्होंने कही है, बाकी हम तो सबकी कह पे विश्वास नहीं रखते। डॉल्फिन दिखाएंगे तो देखते हैं, दिखते हैं तो ये व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगेगा, इसे ज़रूर वॉच करना, पूरी वीडियो वॉच करना, स्किप मत करना। और क्या नाम है, आपको देखो बैक कैमरे से मैं नज़ारा दिखाता हूँ कैसीनो, मैजेस्टिक पैराडाइज कैसीनो, गोवा का टॉप का कैसीनो। और वो खड़ा है बिग डैडी का, वो बिग डैडी का है, गोवा का सबसे टॉप का कैसीनो। आगे डेंटल रॉयल खड़ा है पीछे की साइड। वाह यार, इसका आपको नाइट का व्यू जरूर दिखाऊंगा मैं, चाहे साला कुछ हो जाए, इसका नाइट का व्यू जरूर दिखाना है। यहाँ पे नाइट का व्यू एकदम फटोफट होता है। सोची तो हमने भी थी कि हम वहाँ जाएंगे कैसीनो में, लेकिन शायद वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो क्या है ना, हमने ऑलरेडी बहुत पार्टीज कर ली है। देखो अगर बन पाए तो कैसीनो में भी चल रहे हैं। बोट को आने में तो अभी टाइम है, तो हम कुछ खाई आते हैं। ये नीचे अभी रोड बनी है और इसी के ऊपर से हमें जाना पड़ेगा। ये चिपक रही है, चिपक रही है, चिपक रही यार। बोट को आने में टाइम है तो कुछ खा लेते हैं। जब से हम गोवा आए ना, तब से हमारा सिर्फ चूतिया कट रहा है। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, हमारा सिर्फ चूतिया कट रहा है। क्यों, मैंने कही थी हम खाना खाने जा रहे हैं, हम जा रहे खाना खाने बैठ गए। इनसे 15-20 मिनट कही थी, मैंने कही थी इन लोगों से, मैंने ये बात कही थी कि मैंने कि चली जाएगी बोट, चली जाएगी, लेकिन इन्होंने खाना खाएंगे ठीक है, नहीं खा ले। और वही बात हुई, खाना खा रहे हैं, अपना खाना खा के आए, हमारी बोट चली गई। वाह भैया, चली गई हमारी बोट, कह रहे हो टाटा बाय बाय। अब दूसरी बोट का इंतजार कर रहे हैं, फिर उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसा हमारा पूरा दिन वेस्ट हो रहा है। अब हमारे मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं क्या ही बोलूँ, बस यार ऐसे दिन वेस्ट हो जाता है, मेरे को बड़ा गुस्सा आती है। 3:30 हो रहा है इस टाइम पे, वो बोट 1.5-2 घंटे की है। उसके बाद बोट जो मेन चीज़ें मैं अपने करने आया था, वो चीज़ मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। हमारा पता नहीं कैसा हो रहा है, चूतिया कट रहा है बार बार यार। अब इंतजार कर रहे हैं दूसरी बोट का, आएगी तो चलेंगे। सो वेलकम टू डॉल्फिन एडवेंचर क्रूज, स्वागत है आप सभी का डॉल्फिन क्रूज पर। फिलहाल हम लोग माउथ ऑफ रिवर गोवा मांडे रिवर है, अभी हम लोग हैं अरेबियन सी में, जो पर आपको डॉल्फिन और साइड सीन दिखाएंगे। तो सभी डिजाइन में रखो, जो भी प्लास्टिक का विषय पानी में नहीं फेंकेगा, सामने डस्टबिन का यूज करो। तो किसी को सामने की जगह है, दोनों सामने अपॉर्चुनिटी लेकर रुक सकता है, लेयर का मजा ले सकता है। किसी को सामने रुकने का है, दोनों सामने ओपन। I know you're scared, you wanna hide away sometimes. I know you heard from everyone telling you lies. I bet you just wanna lose your mind. I know you heard.
अली गजदार जो मुंबई का एक बहुत बड़ा डायमंड स्मगलर था। ये बंगला उसे 35 साल पहले बनाया था 35 years ago और ये बंगला बदलकर उसको उस टाइम 80 करोड़ रुपए का बंगला है। ये बंगला पूरा अंडरग्राउंड है और फ्लैट होटल 16 करोड़ का है। इस बंगले के अंदर अच्छी तरह से एक कंपनी शुरू हो गई करना और कमेंट में बताना क्या सही रहा। स्पोर्ट पार्टी देख ही ली थी डॉल्फिन, सही रहा। बाय।